हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, उनमें से वो क्वेश्चन जिन पर तुरंत बन सकता है सर, उन पर हम कोशिश करते हैं। कल संडे है, कल हम कोशिश करेंगे एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाने की। बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स किया था सर, केमिस्ट्री के, जूलॉजी के, बीए इंग्लिश के इंपॉर्टेंट लेके आइए। हम कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट लाने की, ऐसे टाइम बहुत कम मिल पाता है सर। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर, हम बीएससी कर रहे हैं, हम हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। आज पूरी बात क्लियर करना चाहते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले, आपके जितने भी हम एक्सपीरियंस बताते हैं, खुद जो किया है वही बताते हैं। ये कोई हवाबाजी नहीं, कुछ भी बता दिया आगे, क्योंकि जिस दौर में आप हैं वह नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सर। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम फर्स्ट ईयर में थे, जो यूपी बोर्ड वाला बच्चा होता है, थोड़ी सी दिक्कत उसे होती है, सबकी इंग्लिश कितना भी कोई काबिल हो, लेकिन हाँ थोड़ी सी इंग्लिश, हाँ 1-2% लोग कहते नहीं मैं उनकी, वरना आदमी थोड़ा बहुत तो घबराता है। तो सर इंटर में तो बहुत मेहनत की, लगभग 84% भी आए। आने के बाद जब हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पहुंचे, तो हमारे सर जी थे वो टोटल इंग्लिश लिखाते थे। फिजिक्स भाई से बोलते भी इंग्लिश थे, लिखवाते भी इंग्लिश थे, पढ़ना पढ़ो बनना जाओ, लिखते भी सब इंग्लिश थे। लिख लिया भाई, लिख तो लिया, लेकिन जब पेपर का टाइम आया तो बहुत सारे लोग बोले जो इंग्लिश में लिखता है उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। कहीं ना कहीं बात यह ठीक भी है कि मान लिया आपने हिंदी में लिखा, हिंदी आपको आती बहुत टैलेंटेड, 20,000 रुपये भारत है हमारा, और थोड़ी सी इंग्लिश बोल लेते हैं अच्छी सी, तो सर 20,000 वाले को 30,000-35,000, वो एक अलग विषय है, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, शिक्षा पे हम अलग डिस्कशन करेंगे, यहाँ जो टॉपिक है उस पर रहते हैं। तो होता क्या है, देखिए हमने क्या किया फर्स्ट ईयर में, अब हमने देखा यार बहुत कोशिश की, नहीं समझ में आ रहा था, इतना नहीं था यार। अब जैसे मेरी समझ में आने लगा किस तरीके से लिखाया जाता, लेकिन उस समय इतना नहीं नॉलेज थी। तो हमने क्या किया, हमने अब क्या करें भैया, लेके बैठे गूगल, और टाइम भी बहुत कम था, साल भर पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि खुद भी पढ़ाते थे उस समय भी बहुत दिक्कतें थी। तो लेके बैठे गूगल, स्पेलिंग मीनिंग इनिंग सब ढूंढना शुरू कर दिया, देखते रहे देखते रहे, धीरे धीरे करके क्या ये समझ में आया कि यार इसकी हिंदी ये है, इसकी ये, अरे अबे ये तो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा मोमेंटम को संवेग कहते हैं, ये तो पढ़ा हुआ मेरा। अच्छा सैटेलाइट को उपग्रह कहते हैं, अच्छा प्लेनेट को ग्रह, अरे ये तो हमें सब आता। जब देखना शुरू किया तो लगा यार अगर हिंदी में होता तो ये तो हमें पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि हमें तो आता है ये। तो समझ में आया कि यार जो चीज हमें आती है उस पर डबल मेहनत क्यों करेंगे। तो हमने नहीं, हम हिंदी में लिखेंगे। फिर लोगों ने डराया, जो हिंदी में लिखते हैं वो फेल हो जाते हैं, उनके नंबर बहुत कम आते हैं। नहीं सर, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं करती, हिंदी भी है, गर्व करिए हिंदी पे, लेकिन सर टोटल हिंदी में नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो गलत तरीका, या तो शुद्ध हिंदी लिखिए या शुद्ध इंग्लिश लिखिए, मिक्स नाम की कोई चीज, मिक्स कुछ होता ही नहीं है। हमने खुद लिखा सर, फर्स्ट ईयर में मेरे 100 में से 77 मार्क्स थे, और तब जब हमने साल भर कथई पढ़ाई नहीं करी थी, आखिरी में 2-3 दिन कायदे से पढ़ा था, राइटिंग अच्छी थी और बिल्कुल मिक्स में लिखा। हम आराम से आपको बता रहे हैं मिक्स में लिखा था, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, किसी के साथ क्या होता है यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं हमें नहीं मालूम। हमने मिक्स में लिखा कायदे से, प्रॉपर तरीके से, आराम से हेडिंग डाली जैसे इंग्लिश में डाल दी, मिक्स जो कंटेंट लिख रहा मिक्स में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। और रिजल्ट्स आए हैं, हम पिछले 10 सालों से लगातार बच्चों से 1-to-1 जुड़े रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ला के दिखाए हैं, शिवम चौहान हो गए, दिव्या सिंह हो गई, लोगों के नंबर आए हैं सर, 65, 70, 75 सभी थी लड़की 78 आते हैं मिक्स में 100 में से, लेकिन राइटिंग में सर दम होनी चाहिए। आप क्या कंटेंट लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम टोटल इंग्लिश लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, प्योर हिंदी में लिखिए सर। आपने डाला विद्युत घटक शुरू हो गया, वो बहुत ज्यादा लिखा ऐसा लगता नहीं, फिर 12th में फर्क आ जाता है सर। तो कतई शुद्ध हिंदी में लिखिए, बाकी कोई, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पहले दिनेश ले आए शुद्ध हिंदी में पढ़ लिया, उसमें कठिन कठिन लैंग्वेज छाप आए, नहीं सर थोड़ा सा उसमें मिक्स करिए, चीजों को मिक्स करने की कोशिश करेंगे, वो लिखा हुआ स्टैंडर्ड। एक और व्यक्ति गलती करता है, पता चला यहां हिंदी हिंदी यहां लिख रहा है, इंग्लिश इंग्लिश यहां लिख रहा है, अगली लाइन में आए अब वो यहां दिक्कत कर रहा है, नहीं पूरा एक लाइन में लिखिए ऐसे करके कायदे से, नीचे नीचे लिखना तो नीचे लिखिए, ऊपर क्या लिखेंगे आप। तो पूरा एक प्रॉपर तरीके से जब आप लिखेंगे अच्छी अच्छी राइटिंग में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत कायदे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, जिस लड़की का हमने सभी का नाम बताया वो वैसे लिखती थी, हिंदी ऊपर इंग्लिश नीचे, तब भी कोई टेंशन नहीं है। तो जितना भी कंटेंट में दम होना चाहिए, लिखावट आपकी अच्छी होनी चाहिए, कोई मैटर नहीं करता, कोई लैंग्वेज, कोई तरीका, कोई लिखावट, कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन नंबर आते हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कई ऐसे सारे बच्चे जिनके नंबर आए हैं। ठीक है सर, तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझा पाए होंगे, आपकी बात को क्लियर कर पाए होंगे। बस दोस्तों इतना ही, कोई सवाल है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लाने की कोशिश करेंगे, जिन लोगों ने इंपॉर्टेंट पूछ रखे हैं कोशिश करेंगे कि कल उनकी वीडियोस को ला पाए। बस दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।